मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सियासत का ड्रामा चल रहा है, जहां सद्बुद्धि धरने तक पहुंच चुका है। राजवाड़ा चौक पर माता अहिल्या की प्रतिमा के तले कांग्रेस के 3 विधायक और पार्टी अध्यक्ष ने धरना देकर भाजपा नेताओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता द्वारा राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा। देरी से हुई कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला, इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने चौकड़ी जमा कर धरना रूपी प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुदर्शन गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंत्री पटवारी ने मीडिया के तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और हर जवाब में भाजपा को घेरने की कोशिश की। एसडीएम बीजेपी के नौकर के रूप में काम कर रहा है और मैंने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है, चीफ सेक्रेटरी को भी बोला है। अगर सार्वजनिक रूप से वो नहीं सुधरे और उन्होंने इसी तरीके से काम किए तो मैं मानता हूँ कि जनता का डंडा है, प्रशासन बड़े अधिकारी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। नीचे धरने पर बैठे हैं, क्या विषय है? ये विषय है कि हमारे इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, जो आपदा कोरोना आपदा की कमेटी सदस्य होने के नाते उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए उस कंटेनमेंट एरिया के अंदर करा, जहां पर 5 लोग मर चुके हैं अभी तक और 60 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो एरिया आज भी सील है। उस सील को खोल कर पुलिस प्रशासन को धक्का देकर वहाँ पर जो लगे हुए बैरिकेड्स वो सब खोल के एक मैदान के अंदर प्रोग्राम करा। उस प्रोग्राम मैदान के अंदर 2000 महिला इकट्ठा करके, पर 2000 महिला इकट्ठी कैसी हुई ये प्रशासन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनका जो समर्थन तंत्र है, खुफिया तंत्र है, वही फेल हो चुका है और वो आदमी कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार और वो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का जो धज्जे उड़ा रहे हैं और आम जनता की जो एक बम फटने वाला है। इस बम को फटने के चक्कर में आज देखिए जो इंदौर नहीं पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना 4th नंबर आ रहा है इंडिया का और इंदौर का 7वें नंबर पे, और ये एक बम फटने की स्थिति हो गई। ऐसे में ऐसा एक जो खराब प्रोग्राम बहुत गलत किया, वहाँ पर महिलाओं को गाली फेंकी गई, महिलाओं के कपड़े फटे गए और ऐसा मतलब वो अनाज कहाँ से आया, नगर निगम अनाज बांट रहा था उस अनाज को बांटा और अनाज 70 दिन तक क्यों नहीं बांटा इन अनाज, और आज अनाज बांट रहे हैं उस अनाज को जो घर में रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर में अनाज रखा हुआ है, इसका मतलब आज लाखों करोड़ों का जो अनाज है वो अपने घर में रखा हुआ है वो लोग नहीं बांट रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने 70 दिन तक लॉकडाउन का पूरा पालन कराया, उस पालन को आज खत्म हो गया। अब इस मरने जो लोग मरेंगे कोरोना पॉजिटिव होंगे इसकी जिम्मेदार कौन है? उस एरिया में कराया जिस एरिया में 5 लोगों के परिवार मर चुके हैं, उनको धक्का देते हुए आज ये प्रोग्राम करा गया तो उनके घर पर क्या बीतेगी? और जो 70 दिन अपने घर के अंदर बैठे हुए उन पर क्या बीतेगी? जो पूरे देश नहीं, पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा इंदौर जो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी थी वो आज वो पूरी धज्जे उड़ा के इसको बम बना दिया गया है। मांग क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर 170 और 188 धारा लगना चाहिए। जो कोरोना पॉजिटिव के अंदर इसके जिम्मेदार कौन है? इंदौर से रीमा यादव की रिपोर्ट।